छोटी छोटी कहानियां सिखाती बड़ी बड़ी बातें। आज की कहानी एक युवक की है जो गांव में रहता था। गांव करीब करीब 7-8 किलोमीटर सिटी से दूर था। एक बार शहर आया, काफी देर हो गई, रात के करीब करीब 1 बज गए और उस समय उसका गांव में लौटना बहुत जरूरी था। और गांव में लौटने के लिए उसके पास कोई भी साधन नहीं था। बहुत परेशान हुआ, बहुत देर तक उसने सोचा, कोई साधन नजर नहीं आया, कोई साधन मिला नहीं। अचानक उसकी नजर एक डॉक्टर साहब के घर पर पड़ी। उसने घर की घंटी बजाई, डॉक्टर साहब निकले। युवक ने बोला, डॉक्टर साहब हमारे गांव चलना है, इमरजेंसी है। डॉक्टर साहब अच्छे थे, तैयार हो गए और बोले चलो। युवक ने पूछा, डॉक्टर साहब आपकी फी कितनी होगी? डॉक्टर साहब ने कहा 200 रुपये। युवक ने बोला ठीक है। डॉक्टर और युवक कार में बैठे, डॉक्टर साहब की गांव तक पहुंच गए। जैसे गांव के किनारे पहुंचे, युवक ने बोला, डॉक्टर साहब कार रोकिए। डॉक्टर साहब ने कार रोकी, युवक कार से उतरा, डॉक्टर साहब को 200 रुपये दिए और बोला, डॉक्टर साहब सॉरी ये आपकी फी है, लेकिन मुझे गांव अर्जेंटली लौटना था और गांव लौटने का मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार सॉरी बोलता हूं और आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। कहानी छोटी है, क्या सिखाती है? दो चीज, युवक का यह व्यवहार गलत है। उसने डॉक्टर साहब का उपयोग गलत तरीके से किया, लेकिन यदि इमरजेंसी है, युवक का लौटना बहुत जरूरी है, तो युवक ने घबराने के बजाय गांव में लौटने का एक उपाय सोचा। किसी भी गंभीर अवस्था में अपना इमोशनल बैलेंस नहीं खोते हुए कारगर तरीके को ढूंढना जरूरी है। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। नमस्ते।